नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम जनरल करेक्टर्स ऑफ फंजाई में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज को छोड़कर बाकी सभी जो वर्ग हैं, सारी जो क्लासेस हैं, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो है उसमें क्या होगा, कवक के अंदर लैंगिक जनन में कंपैटिबल न्यूक्लियाई, ठीक है, कंपैटिबल न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आवें, उसके लिए पांच विधियां हैं। निषेच्य केंद्रक इन पांच विधियों के द्वारा एक दूसरे के निकट आते हैं। पहला है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन या चल युग्म की संयुग्मन। इसमें जो दो नेकेड मोटाइल गैमेट्स होंगे, नेकेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं प्लैनोगैमेट्स। वो एक दूसरे के के साथ फ्यूज होंगे या कॉपुलेट होंगे और उसके नतीजे से हमारे को क्या मिलेगी, दो कंपैटिबल केंद्र एक दूसरे के पास आएंगे या निषेचन होगा। पहला है आइसोगेमी या संयुग्मन। आप जानते हैं इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। आकारिकी कैसी है, एक जैसी, और शरीर क्रियात्मकता कैसी है, भिन्न है, ठीक है। एनआइसोगैमी, एनआइसोगैमी का अर्थ है असंयुग्मन। इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजी आकारिकी और क्रियात्मकता दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। तो नर युग्मक और स्त्री युग्मक दोनों जो हैं वो दोनों मोटाइल हैं, ठीक है, पर नर युग्मक क्या होगा, मादा युग्मक से अधिक सक्रिय होगा। जो मेल गैमेट है वो मोर मोटाइल होगा एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। तीसरा है ऊगैमी या युग्मक, सॉरी विषम युग्मन। विषम युग्मन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है जिसे हम ओवम कहते हैं वो कैसा है, नॉन मोटाइल है, अचल है, ठीक है, ये ऊगोनियम में बनता है। और मेल गैमेट जो एंथ्रोजोइड है, नर युग्मक जो है वो कैसा है, मोटाइल है, गतिशील है और एंथ्रीडियम में बनता है, तो ऐसी अवस्था को कहेंगे ऊगैमी, ठीक है। तीनों में ही क्या है, गैमेट जो है वो नेकेड है और वो मोटाइल है। कैसे, आइसोगैमी के अंदर मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं, लेकिन मेल जो है वो फिजियोलॉजी में फीमेल से डिफरेंट है। एनाइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से डिफरेंट, और ओगैमी में फीमेल नॉन मोटाइल और मेल मोटाइल होता है। देखिए ये तीनों डायग्राम्स हैं हमारे पास, पहले आइसोगैमिट्स हैं आइसोगैमी में, दूसरा जो बी जिसमें लिखा है ये एनाइसोगैमी या असंयुग्मन है, और तीसरा जो है वो ऊगैमी या विषम युग्मन है जिसमें ओवम है और उसके पास में एम्प्टी एंथ्रीडियम या नर युग्मक धानी आपको दिखाई दे रही है। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट या युग्मक धानी संपर्क, ये एल्ब्यूगो में आप पढ़ेंगे क्योंकि एल्ब्यूगो आपके सिलेबस में है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमिटेंजिया या एंथ्रीडियम होता है, ठीक है, ये जो पुंधानी जो होती है वो जो पुंधानी है वो क्या है, नर युग्मक धानी है। ये एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब, निषेचन नलिका बनाती है और इस निषेचन नलिका के द्वारा जो फीमेल गैमिटेंजिया या ऊगोनियम है, अंडधानी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल न्यूक्लियाई या नर केंद्रक जो है वो प्रवेश करता है, ठीक है। दोनों अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करते, मतलब एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम जैसा दिखेगा और ऊगोनियम ऊगोनियम जैसा दिखेगा, उनके अंदर सिर्फ एक निषेचन नलिका या फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, वो सिर्फ और सिर्फ नर केंद्रक मेल न्यूक्लियाई को ऊगोनियम तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद आता है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें टू कंपैटिबल गैमिटेंजिया, कंपैटिबल का अर्थ क्या है, एक प्लस और एक माइनस होगा, दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए, निषेच्य होने चाहिए, वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने से इनकी उभयनिष्ठ भित्तियाँ जो इनकी वॉल होती है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, उभयनिष्ठ भित्तियाँ विलीन हो जाएंगी और
नर युग्मक धानी की मादा युग्मक धानी के साथ कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया जो है उनका कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा और उसके रिजल्टेंट जायगॉट बनेगा, तो इसे कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या युग्मक धानी है संयुग्मन। म्यूकर भी आपके सिलेबस में है, इस प्रोसेस को आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे। स्पर्मेटाइजेशन या अचल पुमणु युग्मन, यहाँ पर क्या है सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। सेक्स ऑर्गन से हमारा तात्पर्य एंथ्रीडियम और ओगोनियम से है, अंडधानी व पुंधानी से है। यहाँ पर क्या है एक जो हाइफी है वो क्या बना, वो किसकी तरह एक्ट करती है, मेल गैमेट बनाने के काम करती है, वो एक्ट करती है मेल की तरह, और दूसरी जो हाइफी है वो फीमेल की तरह एक्ट करती है। जो फीमेल की तरह एक्ट करती है उसे हम कहते हैं ट्राइकोगाइन या रिसेप्टिव हाइफी या ग्राही कवक तंतु। ठीक है, जो हाइफी फीमेल की तरह एक्ट कर रही है उसे क्या कहेंगे, रिसेप्टिव हाइफी या ट्राइकोगाइन मतलब ग्राही कवक तंतु। ठीक है, जो मेल की तरह एक्ट कर रही है वो अपने ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगी, क्या बनाएगी, पुमणु बनाएगी, और ये पुमणु जो हैं वो स्पर्मेशिया या मेल गैमेट या कैसे होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, जब ये पुमणु किसी भी तरीके द्वारा मतलब इंसेक्ट के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, जब भी रिसेप्टिव हाइफी या ट्राइकोगाइन या ग्राही कवक तंतु के कॉन्टैक्ट में आती है तब वहाँ पर क्या होगा, एक छिद्र बना लेगी और छिद्र बनाकर जो नर केंद्रक है वो हाइफी फीमेल हाइफी के अंदर एंटर कर जाएगा, और इस तरीके से हमारे को कैसी अवस्था मिल जाएगी, द्विकेंद्रीय अवस्था या दो कंपैटिबल न्यूक्लिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। लास्ट प्रोसेस है सोमैटोगैमी या कायिक युग्मन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई संरचना नहीं बन रही, दो कायिक कवक तंतु एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होने का मतलब है परस्पर संयोजन कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं सोमैटोगैमी या कायिक युग्मन। अब ये जो कायिक युग्मन हुआ इससे क्या हुआ, दो ग्राही केंद्रक टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, तो इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, क्या है वो तीन अवस्थाएं, प्लाज्मोगैमी यानी कि जो दो प्रोटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दूसरा कैरियोगैमी, कैरियो से अर्थ होता है न्यूक्लियस का, तो केंद्रक संलयन, ठीक है, और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, जो निषेच्य युग्मक है या जो लिंग कोशिकाएं हैं या कंपैटिबल गैमेट्स हैं ये क्या होंगी, एक दूसरे के निकट पहुंचती हैं और उनके जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई कम क्लोज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि दो कंपैटिबल हाइफी, ठीक है, दो कंपैटिबल युग्मक या निषेच्य युग्मक, दैट कंपैटिबल गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, किस तरीके से आएंगे, जो पांच प्रोसेसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन या सोमैटोगैमी, कोई भी विधि हो सकती है, उस विधि के द्वारा क्या होंगे, दो गैमेट्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आने के बाद क्या होगा, उनके बीच में जो उनका प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ होगा, जीव द्रव्य वो क्या होगा, संलयित हो जाएगा, और ऐसा होने से क्या रिजल्ट बनेगा, टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई या दो निषेच्य केंद्रक एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। कैरियोगैमी, जब दो निषेच्य केंद्रक एक दूसरे के नज़दीक आए तो उनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने से हमारे को क्या मिलेगा, द्विगुणित अवस्था मिलेगी, 2n स्टेज हो जाएगी, जो केंद्रक है वो कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसके अंदर सबसे पहले डाइकैरियन फॉर्मेशन होगा, डाइकैरियन क्या है, जब दो अपोजिट स्ट्रेन, ठीक है, उनकी जो केंद्रक हैं वो एक दूसरे के पास आकर और
एक दूसरे के साथ जोड़ा बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? डाइकैरियन कहते हैं। ठीक है, विपरीत लिंग के केंद्रक युग्म जो बनाएंगे उसे हम कहेंगे केंद्रक युग्म या डाइकैरियन। डाइकैरियोफेज का मतलब द्विकेंद्री प्रावस्था क्या है? वो फेज जब डाइकैरियन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब विपरीत लिंग के केंद्रक युग्म बनाएंगे तो इस अवस्था को हम कहेंगे द्विकेंद्री अवस्था। ठीक है, जब अपोजिट सेक्स के कंपैटिबल न्यूक्लियाई पेयरिंग करेंगे तब हम उसे कहेंगे डाइकैरियोफेज। उसके बाद है डाइकैरियोटाइजेशन, वो प्रोसेस या वो क्रिया जिसके द्वारा द्विकेंद्री भवन होगा उसे हम कहेंगे, या द्विकेंद्री भवन या डाइकैरियोटाइजेशन होगा। ठीक है, उस प्रोसेस को या उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। अब होगा मियोसिस। देखिए, जो कवक होता है वो बेसिकली कैसा है? हैप्लॉइड। कैसा है? अगुणित है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को कैसी अवस्था मिल गई कैरियोगैमिस से? 2N द्विगुणित अवस्था मिल गई, डिप्लॉइड अवस्था मिल गई। तो अब डिप्लॉइड से वापस वेजिटेटिव जो हाइफी बनानी है वो कैसे बनानी है? एन हैप्लॉइड बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो हमें कैरियोगैमी या केंद्रक संलयन से मिला था उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होगा, और उससे वापस हमारे को कैसी? अगुणित प्रावस्था हैप्लॉइड स्टेज मिल जाएगी। धन्यवाद।